अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड गाइस, मैं अपनी फर्स्ट कह लें आपके साथ ना स्टेशनरी शॉपिंग हॉल की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं थोड़ी बहुत आर्ट से रिलेटेड मतलब पेंटिंग वगैरह ना करने की कोशिश करती हूँ, ड्राइंग्स करती हूँ बेसिकली, अपनी पेंटिंग्स उस लेवल पर नहीं करती और ना मुझे आती हैं, जो सीधी साफ सी बात है भैया, ऐसी बंदा क्यों आप लोग मुझसे झूठ बोले। तो मैंने ना कुछ दराज से पार्सल्स मंगवाए थे अपनी पेंटिंग और आर्ट से रिलेटेड, कुछ जर्नल वगैरह जो आपने देखी होगी, मेरी रमजान की जर्नल वाली शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसी से रिलेटेड ना मैंने और मजीद अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग की वीडियो। और दराज से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी, तो जिन जिन स्टोर से मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इनकी जो प्राइसेज हैं वो भी आपको मैंशन हो जाएंगे। ये कुछ मैंने आर्ट की चीज़ें नहीं थी, कुछ स्टिकर्स वगैरह एंड ऑल ये मैंने लिए थे लोकल मार्केट से। और अब मुझे इनके जो है ना प्राइसेस, वो फ्रेंकली बताऊँ मुझे बिल्कुल नहीं याद है कितने की है, एक दो चीज़ की मुझे प्राइसेस याद है, बाकी होंगे ना मैं बाद में चेक करके ना, तो आपको इस वीडियो में आपको ज़रूर मैंशन हो जाएंगे कि मैंने कितने के परचेज किया। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये कुछ स्टिकर्स के पैक्स थे, बिकॉज जर्नल का भी शौक आजकल चढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ स्टिकर्स परचेज कर लेता। तो ये लोकल मार्केट से ना कोई 30-30 रुपीज़ का ये पैक ना मैंने अपने भाई को भेज के मंगवाया था, कुछ स्टार्स और कुछ ये फ्लावर्स का, तो ये लिया था। इसके अलावा ये एक स्टिकर्स का ये पैकेट है, ये ना बुक शॉप से ली थी, ये मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया मैं लिए हुए, बुक मार्क्स के लिए ना ये बड़े अच्छे रहते हैं। और मैं ना अक्सर कोई अपने जो सेगमेंट वाली मतलब एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट सेगमेंट जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और इसको अब मैं जर्नल में यूज़ करने वाली हूँ, जो मैंने सेपरेट मंगवाया था। और ये स्टिकी नोट्स की ये एक बॉक्स है, तो ये मुझे नहीं पता ये किसका है, लाइक किस कंपनी का है, बट ये बड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के ना स्टिकी नोट्स है। एंड ये भी मैंने अपनी जर्नल की वीडियोज़ बनाने के लिए ही मैंने ये ना लिए थे। इसके अलावा ये एक मैंने ब्रश लिया, इस ब्रश पे मुझे बड़ी डांट पड़ी है, क्योंकि ये मेरी अम्मी हजूर ने कहा था कि लाइक यार ये ब्रश कौन यूज़ करता है पेंटिंग में। मैंने कहा मम्मा आपको पता ही नहीं है, आपको मैं पेंटिंग्स दिखाऊंगी, बड़े बड़े लोग जो है ना वो ब्रशेस का यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए। सो ये 150 का ऑलमोस्ट मुझे मिला था, वो आपको तो पता होगा स्प्रिंकलिंग वगैरह के लिए ना ये यूज़ होता है। ये एक स्टेपलर चाहिए था, एक्चुअली मैं स्टेपलर ना पिन ओपनर टाइप छोटा सा पिन ओपनर चाहिए था, मगर मेरा जो भाई है ना वो कहता है कि नहीं मुझे भी चाहिए, तो मुझे ज़रा बड़े साइज़ का चाहिए। तो फिर हम लोगों ने ना ये एक बड़े साइज़ का ना स्पिन ओपनर कह रहे हैं या स्टेपल रिमूवर है, और ये बड़ी ना अच्छी क्वालिटी का 3-4 हमारे यहाँ पर एक ना बुक शॉप है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी ना यू नो, तो इस वजह से है ये मैंने बुक शॉप से लिया था, ये दराज दूर से कोई नहीं मंगवाया हुआ, ये बुक शॉप से आया हुआ है और ये मेरे से ज़्यादा मेरा भाई इस्तेमाल करता है। इसको करते हैं पैक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी प्यारी चीज़ वो ये वाशी की टेप्स, जो आपने ये जो टेप्स हैं आपने बड़ी जर्नल और बड़ी चीज़ों में ना देखी होंगी, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की गई, ये मैंने ना बहुत देर पहले ली थी, ये ना मैंने ना एक डॉलर शॉप से ली थी 180 रुपीज़ की, ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी है। ये मैंने अपने जर्नल्स के लिए ना यूज़ करने के लिए लाई थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। एंड ये इसको ना ऐसे करके देखिए, लाइक ये बहुत अच्छी फैंसी टाइप की तो नहीं है, बिकॉज ये आपको पता है हमारे इधर इतनी आम नहीं है, दराज वगैरह से आप ले परचेज़ करना चाहें वहाँ से आपको ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ली थी कि चेक करनी थी मुझे ये कैसी रहती हैं, तो इसके लिए मैंने ये परचेज़ कर ली थी और ये मुझे मिली थी 180 की डॉलर शॉप से, क्योंकि तब डॉलर शॉप की जो प्राइसेस थी ना वो 180 पे रखी हुई थी और अब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया। तो अब बारी आती है मेरे मेन पार्सल्स की, इनका इंतजार मैंने बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा पार्सल्स थे इनका मैंने वेट किया, तो अब मैं आपको ये वाले पार्सल्स अपने चेक करके दिखाती हूँ। इससे पता नहीं ये खुलेगा कि नहीं, मैं आपसे ले लेती हूँ, इससे ओपन करके आपको अभी दिखाती हूँ। सो गाइज, मैंने पार्सल्स ओपन कर लिए हैं, रैपिंग पैक रैपर में से निकाल लिए हैं। और मैं ना अभी फर्स्ट वीडियो है ना, इसलिए बड़ी तमीज़ से मैं ना आपको खोल के बता रही हूँ कि मैं तो बहुत तमीज़ से अपने पार्सल खोलती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैंने एक वाओ, आई एम सो हैप्पी गाइज, ये देखिए मैंने एक बुक मंगवाई थी, एक डायरी है ऑब्वियसली, इतनी कमाल की पैकिंग हुई हुई है इसकी, हुए ये तो कमाल ही हो गया, I am so happy for this diary। और excitement में मेरे से अब ये खुल नहीं रही एक ये, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़े प्यारे प्यारे, जी हाँ बिल्कुल सही समझे हैं आप, स्टेशनरी की चीज़ें
आई एम सो हैप्पी फॉर दिस. मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी की आएगी एंड ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है. तो ये देखिए मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक है. और इसके अलावा वाओ गाइस, इसके ये तो प्रॉपर जर्नल वाली ही डायरी आई है आई थिंक. सो ये देख कितने प्यारे इसके पेजेस है इसके अंदर ना कुछ. वाओ ये देखें बिजनेस आइडिया. मेरे पास तो बिज़नेस आइडिया कोई है नहीं, बट कलर करने के लिए ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है. आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस बुक. एंड सेकेंडली मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कैनवासेस, ओ इनके साथ भी कुछ निकला है. ये क्या है? ओहो ये उस सेलर, ओ गाइस ये इसका बिल्ला लिविट. तो इसको हम काटते हैं. कैनवस का मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता गाइस कि ये कैसा होता है. मेरे घर वाले तो मुझे कह रहे थे कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं होता, हम ये तो मैं खुद भी इधर से प्रिंट श्रिंट करवा के दे सकते. गाइस जस्ट चेक दिस, आई एम वेरी हैप्पी. ये इसका नहीं है बट ये मेरा हाल वैसे ही लगा हुआ है. ये मुझे गोल कलर का चाहिए था. मैं इसके ऊपर ना जल्दी से जल्दी ना एक अच्छी सी प्यारी सी ना पेंटिंग बना के आपको दिखाऊंगी. और ये गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे फील हो रहा है. इंशाल्लाह जब मैं इसको पेंट करके वीडियो शेयर करूंगी मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी उसके बाद कि ये कैसे हैं. और ये पैकिंग हुई है, टू डिफिकल्ट. ओह ये भी अच्छी क्वालिटी का है. ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट कोई बात नहीं. हमारी डायरी इतनी अच्छी आई है मैं उसी में इतनी खुश हूँ. और ये मैंने पेंट्स मंगवाए थे, एक्रेलिक पेंट्स कलर 12 का सेट था. और जब मैं ये यूज़ करूँगी मैं डेफिनेटली इसका भी रिव्यू दूँगी. और मुझे बहुत पसंद आ रही हैं मेरी चीज़ें. एंड ये मेरा ख्याल है एक ना मेरे पास बोनस आया गया, मैं आप लोगों को बताती हूँ. वाओ ये पैक है, बट जब मैं ये ओपन करूँगी और यूज़ करूँगी मैं इसका रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी. और दूसरी चीज़ ये रह गई, ये देखिए. ओए गाइस मैंने ना ये एक ब्रश मंगवाया था, अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये इन्होंने तीन क्यों भेज दिए हैं. गिफ्ट है तो वेरी गुड हो गया, और अगर भूल के इन्होंने मुझे तीन भेज दिए हैं तो कई बार नहीं, जो होना था वो तो हो गया. मैंने वैसे एक मंगवाया था बड़े साइज़ वाला. एंड वाह ये बहुत सॉफ्ट हैं गाइस, इसके बड़े अच्छे अच्छे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. मेरी फर्स्ट जो दराज की आर्ट शॉपिंग हॉल रही है ना वो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रही है. और इस तरह से मैं अब दोबारा जब मंगवाया करूँगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर किया करूँगी. और जैसे मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँगी तो इनका रिव्यू भी आपको दूँगी. और अपनी स्पेशल पेंटिंग के लिए जो मैंने ये मंगवाया है मैं जल्दी इसका इस्तेमाल करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो छोटी मोटी सी आप मेरी शॉपिंग है ये आप लोगों को पसंद आई होगी. और आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. और मुझे बताएं कि मैं ऐसे मज़ीद पैसे खर्च करके आपके लिए चीज़ें मंगवाऊँ और इनका इस्तेमाल करूँ तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताना. और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.